यूपी के मिर्जापुर में मंगला आरती के साथ नवरात्रि के पर्व शुरू हो गए हैं। 9 दिनों तक नवदुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाएगी। वहीं मिर्जापुर में आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ है, जहां शारदीय नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त माँ के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है। माँ विंध्यवासिनी के धाम में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माँ का दर्शन पूजन करने के लिए। वही मंगला आरती के बाद मंदिर का कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। वही लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं विंध्य धाम में अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर आते हैं नवरात्र के महीने में। वही बात सुरक्षा की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से मेला को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। भारी फोर्स तैनात की गई है मेले में। चप्पे चप्पे पर CCTV की निगरानी से मेला को देखा जा रहा है। वही पर्यटक के दृष्टि से विंध्य कॉरिडोर को भी क्यों मनाया जाता है जी, यह प्रश्न बड़ा ही रहस्यात्मक है, जो कि हमारे बृहन नील तंत्र में आया है कि संगमे विंध्ये गंगायाम विंध्ये विंध्यवासिनी। संगमे विंध्ये गंगा दरबार में आया है, मुझे दर्शन कर बहुत खुशी हुई। और पहले जो सफरी गलियां थे आज कॉरिडोर के रूप में बहुत चौड़ीकरण हो गया। दर्शन मुझे अच्छी तरह माँ का दर्शन हुआ।